स्टूडेंट्स, आप हमारे पीछे डायग्राम देख रहे हैं सेल का। तो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं? तो जिस तरीके से हम बाजार से बहुत सारी सब्जियां लेके आते हैं एक पॉलिथीन के अंदर, वो पॉलिथीन क्या है? हमारी सेल। और बाजार से जो हम सब्जियां लाए, आलू, टमाटर, प्याज, मिर्च, सारी की सारी चीज उस पॉलिथीन के अंदर लेके आए, तो वो कहलाती है, वो जो बाकी सब्जी हम उस पॉलिथीन में डाल के लाए वो कहलाएगी ऑर्गेनिल्स। तो उसी तरीके से जो पॉलिथीन है वो क्या है? हमारी सेल। और सेल के अंदर ये बाकी जो कंपोनेंट्स है उनको हम ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। और कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो देख लेते हैं। जैसे हम आलू, टमाटर, प्याज लाए खरीद के, उसी तरीके से सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज द वोक्यूल्स, दिस इज द गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, ये है आपके राइबोसोम्स, और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अलग अलग चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है जिसे हम सभी को मिलाकर के ऑर्गेनेल्स बोल रहे हैं। और इस सेल को, ये तो पॉलिथिन है ही भाई, है ना? तो इजी वे में आपको बताया, आपको अगर समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर